स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुदल हर्बल व्लॉग्स और आज हम परिचर्चा करेंगे एक मित्र कीट की जिसका नाम है रोबर फ्लाई। और ये अन्य जो कीट है उनको खा जाती है। ये इसका लार्वा है, डंडी के जैसा दिखाई देता है ये। तो ये देखिए, ये है रोबर फ्लाई। ये अन्य जो कीट हैं उनके अंदर छेद करके उनका जो सैप है वो चूस लेती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एक इंसेक्ट का सैप है वो ये चूस रही है। तो आप पहचान कर लें, ये मित्र कीट है। ये किसान के बहुत ही फायदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देखिए किस तरह से ये जो अन्य इंसेक्ट हैं, हानिकारक इंसेक्ट हैं, उनको पकड़ के उनके सैप को चूस लेती है, उनके अंदर छेद करके, पायरस करके। तो इस तरह का कीट अगर आपको मिलता है तो आप उसे कभी मारिएगा मत। और दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहर मुक्त खेती ही आप करें, केमिकल खेतों में न डालें, ताकि इस तरह के मित्र कीट हैं वो खेतों में पनपते रहें और जैविक रूप से ही आपके खेतों में कीट पतंगे ना हों, उन पर नियंत्रण रहे, प्रकृति स्वयं उन पर नियंत्रण करे, यही सबसे अच्छा तरीका है। ये देखिए, पायरस कर रही है, ये छेद कर रही है दूसरे कीट के अंदर। तो इसी तरह की जानकारी के लिए, पूर्णतः वैज्ञानिक जानकारी के लिए, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अन्य किसानों को भी लाभान्वित करें, उनके पास भी शेयर करें, उन्हें भी भेजें, ताकि ऐसे कीटों की उन्हें भी पहचान हो। धन्यवाद।